आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जिला कलेक्टर कंपाउंड मिर्जापुर में जनहित मोर्चा के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मिर्जापुर में वृद्धा, विकलांग और विधवा लोगों का पेंशन रुका हुआ है, जो कई महीने से नहीं मिल रहा है। इसका भुगतान शीघ्र होना चाहिए। शहर की नालियां और गलियां गंदे पानी से बजबजा रही हैं। शहर की सड़कों पर बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है। शहर में बंदरों का आक्रमण लगातार जारी है। जगह जगह सांड आम आदमी को अपना शिकार बना रहे हैं। शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इन तमाम समस्याओं को लेकर मोर्चा के लोगों ने अधिकारी को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। हम हैं लक्ष्मी नारायण कुशवाहा जनहित मोर्चा के। आज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ 11 सूत्री ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन कई महीनों से लोगों को नहीं मिला है, उसको दिया जाए तथा इनका पेंशन महंगाई के जमाने में बढ़ाया जाए। नगर मिर्जापुर में सड़कों की हालत बस से बदतर है। बरसात का समय आ रहा है, नालियां बजबजा रही हैं, लोगों को बदबू आ रहा है, सबरी का नाले का सफाई नहीं हुआ है और छुट्टा पशु से आदमी परेशान है, बंदर से परेशान है। इस तरह से मिर्जापुर के अनेक जिले की समस्याओं को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज हम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।